नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ जामुन के शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जामुन एक मौसमी फल है जिसे हमें खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए हम इसका एक टेस्टी सा शरबत बनाएं। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने जामुन को पहले से ही अच्छे से धो लिया है। अब हम चाकू की हेल्प से जामुन से बीज को अलग कर लेंगे। देखिए हमने जामुन से बीज को अलग कर लिया है। देखिए हमने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं, वही जार लेंगे। अब इसमें हम जामुन का जो पल्प है वो डाल देंगे। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, 10 से 12 पुदीने के पत्ते और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच चीनी डालेंगे। हमने यहाँ पर ब्राउन शुगर का यूज किया है, आप चाहे तो सिंपल चीनी या मिश्री का यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब मिक्सी के जार का ढक्कन लगाकर इसे हम चला लेंगे। देखिए हमारे शरबत बनकर तैयार है। हमें ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तब इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ऊपर से और शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आप टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी और डालूँगी। अब इसे हम ग्लास में सर्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दे, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको शरबत ठंडी पसंद है तो इसमें आप बर्फ़ डाल सकते हैं। अब हम जामुन के शरबत के गिलास को अच्छे से गार्निश करेंगे। यहाँ पर हमने एक जामुन की चीरा लगाकर अच्छे से गिलास में रख दिया है। अब इसमें हम कुछ पत्ते पुदीने को लगाएंगे। अब इस तरह से जामुन के शरबत को सर्व करें, बहुत ही खुश होकर सब लोग पियेंगे। आपको मेरी बताई हुई जामुन की शरबत कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।